प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे दो ऐसे पाकिस्तानियों को जिनको भारत में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। एक तरफ आप देखेंगे मशहूर पत्रकार आरजू काजमी जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद ताड़ा साहब, जो कि एक ज़बरदस्त जियो पोलिटिकल एक्सपर्ट है और खासकर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में बहुत ही ज़बरदस्त नॉलेज रखते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, जिसमें ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और खासकर प्रधानमंत्री का जो पोलैंड का दौरा है उस पे। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपने से लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। साथ हैं जी साजिद ताड़ साहब, बहुत शुक्रिया सर कि आज आ पाए। थैंक यू सो मच। सर वैसे तो आज हमने बात करनी है मोदी जी के ऊपर जो पोलैंड गए हैं उनके उस विजिट पे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इस शो के बाद एक वीडियो भेजूंगी मेजर गौरव आर्या की, वो जरूर देखिएगा। और उसमें मेजर साहब ने बताया कि मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि सारी दुनिया के क्रिकेटर्स जो है पाकिस्तान आएंगे, लेकिन कजाफी स्टेडियम या दूसरे जो ग्राउंड हमारे पास है स्टेडियम है वहां पे वॉशरूम नहीं है। तो अब उसके ऊपर क्या कहा जाए जी, वो गरीब हालत है पाकिस्तान की। उसमें देखिए आरजू, आपको पता होना चाहिए कि आज आपका जलसा था तरनौल के पास और उसको बांग्लादेश की जो टीम आई हुई है यहाँ पे उसका बहाना बना के एनओसी उसका कैंसिल कर दिया गया है कि वो हालात ठीक नहीं है। और दूसरा ये भी शिकायत आ रही है कि जो बांग्लादेशी टीम है वो अपने फैमिली से बातें नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके इंटरनेट के मसाइल चल रहे हैं। लेकिन देखा जाए, अगर एक मैं जो मिसाल दूं, डेली बेस पे जो आपके बकरा मंडी चलती है सियासी, जो सारा दिन शाम को बैठते हैं लोग और जो बातें करते हैं सियासी इमेच्योरिटी की, एक सूबा दूसरे पे हमले की तैयारियां कर रहा है, कोई कहता है किसी के बाप की हिम्मत है तो रोक ले, कोई कहता है कि हम फिर भी, कई लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है। जिन चीजों को आपके स्टेडियम्स के अगर रेस्ट रूम नहीं है तो जेल को आपने 5 स्टार बना रखा है। खासा मुसलसल जो है वो 127 बल्कि अब तो ज्यादा हो चुके होंगे, 127 से ज्यादा आर्टिकल और इंटरव्यू दे चुके हैं जेल के अंदर रहने के बावजूद। ये जेल के हालात हैं। और फिर वो बार बार, बल्कि जो रिसेंट उन्होंने इंटरव्यू दिया है उन्होंने कहा जी कि मुझे तो जो टेररिस्ट है वैसे कमरे में रखा है और जो सजाए मौत के लोग हैं उनके लिए रखा है, लेकिन जो तस्वीर आई है उसमें पता ये चलता है कि उनके पास काफी मेकर मौजूद है, उनके पास लोग उनको मालिश कर मसाज करते हैं रोज डेली बेस पे, उनको एक्सरसाइज करते हैं सिटअप पुशअप और उनकी मर्जी का मेन्यू जो है वो बना के उनको दिया जाता है। किसी दुनिया की जेल में ऐसा अगर कोई सहूलत मौजूद है तो प्लीज मुझे गाइड करें। मैं खुद लीगल कम्युनिटी से मेरा रिलेशनशिप है, मैंने आज तक इस तरह की जेल नहीं देखी। और फिर उनके जो नेटवर्किंग है, ना सिर्फ उनको ये सहूलियात मौजूद है, बाथरूम में बैठ के वो आप लंदन में बातें करते हैं। उन्होंने यूके प्राइम मिनिस्टर को भी कहा है कि उनकी मदद की जाए कि मैंने उनका, और ये वही लोग हैं जिनके खिलाफ ये हमेशा ये बोलते थे हकीकी आजादी, अब इंग्लैंड से लेंगे ये हकीकी आजादी, तो चले मर्जी है इनकी। लेकिन हालात बड़े अजीब। और दूसरा ये तो मैंने आपको आपके इंटरनल बात बताई है जो कल परसों से चल रहे हैं, दूसरी तरफ आपके पड़ोस में मैं जो हमेशा कहता हूँ, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप कंपैरिजन में इंटरेस्टेड ही नहीं है। आप देखते कि पड़ोस में क्या हो रहा है, वहां पे जापान के फॉरेन मिनिस्टर आए हैं, वहां पे इंडोनेशिया के, वहां पे मलेशिया के अनवर इब्राहिम है वहां पे, और फिर मोदी साहब पोलैंड गए हैं, पोलैंड से वो जाएंगे यूक्रेन। पोलैंड क्यों गए हैं, क्योंकि वहां से जाके 10 घंटे की ट्रेन का सफर करके यूक्रेन जाएंगे और पहली दफा किसी भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने 45 ईयर्स में यूक्रेन जा रहे हैं। यही मैं पड़ोस की बातें बता रहा हूँ ना कि पड़ोस का इंटरेस्ट कहाँ है, आपका इंटरेस्ट कहाँ है। पिछले महीने वहां पे फॉक्सकॉन जो है इस वक्त चिप मेकिंग में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है वो है, उनका वहां पे सीईओ थे। लेकिन आप जो है वो मुसलसल, आपकी डायरेक्शन दूसरी तरफ है, उनकी डायरेक्शन दूसरी तरफ है। अजीब सी बात है कि एक पड़ोस में रहते हैं, बांग्लादेश के हालात आप देख लें, वहां पे हालात खराब होने के बावजूद इतने खराब नहीं है जो आपके हालात ज्यादा खराब हैं, उनके पास फिर भी अभी काफी फॉरेन रिजर्व मौजूद है। डॉक्टर यूनस को वो लेके आए हैं जो कि एक इकोनॉमिस्ट है। अब आपका यहाँ से क्या जाना, बल्कि मैं पिछले दिनों एक और टॉपिक पे बात करना चाहूंगा आरजू, जो मुझे बहुत दुख हुआ है उसका,
हमने पिछले दिनों में मैंने बात की थी, अपने दुख का इजहार किया था 1947 के पार्टीशन पे जो हुआ था, और मैंने ये कहा था कि आज भी हम वहीं के वहीं खड़े हैं 1947 में भी लोगों को फेथ बेस मुसलमान होने पे निशाना बनाया गया जुल्म और तशद्दुद का, किसी को हिंदू सिख होने पे तशद्दुद का निशाना बनाया। तो मैंने आपको मिसाल दी थी बांग्लादेश की कि बांग्लादेश में आज भी हिंदुओं को मारा जा रहा है फेथ बेस पे। भारत के अंदर भी लोग मुसलमानों के बारे में कहा जाता है कि उनके साथ भी इश्यूज मौजूद हैं। लेकिन जो मैं सबसे बड़ी एक बात करना चाहूंगा, जो मैं रिसेंटली जब मैंने पार्टीशन के हवाले से पढ़ रहा था, मैं तो फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, पार्टीशन, इसमें किसी में किसी खातून ने इस चीज को शुरू नहीं किया, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा विक्टिम कौन थी? वो खवातीन। रेप को एज एक एज ए टूल इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस वक्त जिस चीज में बात करना चाह रहा था, अभी रिसेंटली पढ़ा है कि 31,000 रेप भारत के अंदर हर साल होते हैं। पाकिस्तान में आबादी के लिहाज से देखा जाए 6-7 हजार रेप होता है, और लेकिन आनर किलिंग में बहुत ज्यादा पाकिस्तान बहुत ज्यादा आगे। जो मैं बात करना चाहूंगा, कलकत्ता के अंदर जो लेडी डॉक्टर है, जिसको 31 ईयर्स ओल्ड जो लेडी डॉक्टर थी जिसका रेप हुआ है, और उसके ऊपर अभी भी सोयो मोटो एक्शन लिया जा चुका है। जो बैनर्जी है उन्होंने कहा है कि उसका उसको फांसी देनी चाहिए, पब्लिक में जुलूस वहां अभी भी निकल रहे हैं। लेकिन मैं जब उसके कुछ मेरे वाकयात मैंने उसको पढ़ने की कोशिश की तो बहुत बहुत अफसोस हुआ। उस खातून के जिस्म के ऊपर 113 जो थे निशानात थे, उसको टॉर्चर करने के लिए काटने के निशानात थे। पेल्विस उनका ब्रोकन था, और फिर 18 से 20 लोगों ने ये सारा कुछ किया। और एक तो ये मैं हैरान हूं कि लोग किस तरह हैवान बन जाते हैं, जानवर बन जाते हैं। फिर उसके बाद ये हुआ कि यूनिवर्सिटी ने उसको कवर अप करने की कोशिश की। इससे बड़ी सितम जरीफी क्या होगी कि पहले तो एक खातून मारी गई है, फिर उसके माँ बाप को कहा गया कि इसने सुइसाइड कर ली। इस सारी चीज का बयान करने का मकसद ये था आरजू बताने का कि हम अभी तक वही के वही खड़े हैं, हम यहां से आगे नहीं जा पा रहे। मैं खुद 3 बच्चियों का बाप हूं। मैं 1996 में मेरी पहली बच्ची पैदा हुई तो मुझे कहा गया कि तुम पाकिस्तान वापस आ जाओ, अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज तो बच्चियों को रखने वाले कंट्रीज ही नहीं है। और जिसने मुझे कहा था, मेरे जो फैमिली मेंबर थे वो खुद एक वकील थे, तो मैंने उनसे यही क्वेश्चन किया था, क्या ख्याल है आपके कि मेरी बच्ची पाकिस्तान में आके किसी थाने में जाके किसी कोर्ट कचहरी में अकेली जाके केस लड़ सकती? अमेरिका में तो ये सब हो सकता है, पुलिस डायल करे तो 10 मिनट में विद इन शॉर्ट पीरियड टाइम पुलिस आती है, वो पूछती नहीं कि तुम कौन हो, किधर से। तो आज भी हम वहीं के वहीं खड़े हैं, क्या वजह? हम इससे आगे क्यों नहीं जा रहे? इसी आपके 14 अगस्त वाले दिन मैंने शायद आपके प्रोग्राम में ही कहा था कि नमरा खान है, डिफेंस कराची बहुत पॉश एरिया है, उसमें 3 मोटरसाइकिलों पर लड़कों ने उसको दिन दिहाड़े अगवा करने की कोशिश की, और लोग खड़े देख रहे थे, किसी ने इंटरफेयर नहीं किया। गार्ड खड़े थे घरों के सामने जिनके पास गन्स मौजूद थे, लेकिन उन्होंने मुंह दूसरी तरफ कर दिया। क्या वजह? मैं ये नहीं कहता सर, वो जो सर गंगाराम हॉस्पिटल में जो 5 साल की बच्ची को करने की कोशिश की, रेप करने की कोशिश की 2-3 दिन पहले, ये भी हुआ है यहाँ पर। मैं वही तो कह रहा हूँ कि ऐसे ऐसे वाकयात होते हैं, ऐसे ऐसे कि लर्ज बंदे मेरे जिस्म का एक बाल खड़ा हो जाता है कि हम आगे क्यों नहीं जा रहे, क्या वजह? पाकिस्तान में या किसी लोग इस तरह खवातीन को देखते हैं जिस तरह के ये इनका बस। मैं अभी रिसेंट आपके 2-4 चीजें बल्कि दुख के साथ, इस्लामाबाद 14 अगस्त पे जुलूस के अंदर एक खातून की वीडियो इस वक्त इस्लामाबाद में चल रही है जिसको लोग ग्रुपिंग कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, लाइनें लगा लगा के कुछ सेकंड के लिए उसको टच कर रहे हैं। तो 2 झंडे मेरी नजर, 2 चीजें लोकेशन मैंने देखी, पीछे से फैसल मस्जिद नजर आ रही है और पाकिस्तान के झंडे लोगों के हाथ में। कहने को आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, कहने को आप कहते हैं पाकिस्तान लैंड ऑफ द प्योर्स, और आप उसको एक खातून को टच करने के लिए अब स्टैम्पीड हो रही है वहां। हवानियत की एक एक्सट्रीम, हवानियत की एक्सट्रीम। सर ये भी कहा जा रहा है कि जो अफगान रेफ्यूजीज आए हैं उनकी वजह से भी ये माहौल बहुत खराब हुआ है। जो वीडियो हमने देखी है उसमें ज्यादातर ये अफगान रेफ्यूजीज दिखाई दे रहे हैं, या पठान जो है उस तरह के अफगानिस्तान साइड के, वो बहुत दिखाई दे रहे हैं। नहीं आरजू, सिर्फ वहां का मसला नहीं, जो भारत में जो खातून 31 ईयर्स मेडिकल स्कूल के अंदर रही थी वो तो एक पढ़ी लिखी खातून थी और पढ़े लिखे लोग थे आसपास उनके, हवानियत की एक्सट्रीम क्यों? और इसी तरह सब कॉन्टिनेंट में हर जगह पे हो रहा है।
आज मैं बल्कि आज कीनिया की एक खबर है, एक बंदा है उसने जेल से निकला है, उसने बड़े शॉर्ट पीरियड में 2022 में उसने सबसे पहले अपनी वाइफ को मर्डर किया है, 42 खवातीन को उसने, लेकिन उसको तो साइको किलर कहा जाता है, वो तो चलो एक फर्द वाहिद है, यहाँ पे 18-20 लोग हैं, इस्लामाबाद में जुलूस के अंदर हजारों लोग मौजूद हैं और सारे के सारे हैवान हो गए। और इसमें मैं ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ इस्लामिक में मुसलमान ही बुरे, अब देखे करने वाले ये जो कलकत्ता में जिन्होंने किया वो तो हिंदू होंगे, ये किस तरह क्लेम कर सकते हैं कि रिलीजन बुरा है, हम खुद लोग बुरे हैं, हमारी सोचें बुरी हैं, कहने का मकसद तो ये। लेकिन देखे मैं इस पे बहुत लर्जा आ गया मुझे कि ये क्या हम कहाँ जा रहे हैं, बहसीते इंसान हम कैसे इंसान हैं, हम बहसीते हिंदू कैसे अच्छे हिंदू हैं, हम बहसीते मुसलमान कैसे कैसे अपने आप को अच्छा मुसलमान कह सकते हैं, एज ए सिख किस तरह कह सकते हैं अपने आप को, जब हमारे हमारे अमाल ऐसे हैं, हम कर ये रहे हैं कि कोई खातून जो है सड़क पे जाती हमसे महफूज नहीं है, हम तो जानवरों से भी अबतर हो चुके हैं मेरे ख्याल में। ये तो एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है, हमें सोचना होगा कि हम कहाँ जा। मैंने शायद कहा था कि मैं 1947 के दुखों पे बड़ा परेशान हूँ इस चीज पे कि जो कुछ हुआ है उसमें क्यों हुआ ऐसे, और मैं यही बार बार ये कहता हूँ कि बांग्लादेश पे भी दुख यही था, मैंने बल्कि ट्वीट की थी कि खुदारा 1947 को रिपीट ना करो, फेथ बेस किसी के साथ ऐसे मत करो, हिंदू तुम्हारा हिस्सा है यार, रिलीजन उनका पर्सनल मैटर, डोंट इस तरह तो ना करो, इंसानियत इस तरह बिल्कुल तकाजा नहीं करती, और किसी भी रिलीजन को सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता, किसी दूसरे इंसान को दुख पहुंचा। तो आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काजमी जी और साजिद तावड़ा साहब का पूरा डिस्कशन और इनके पॉजिटिव व्यूज आपको काफी पसंद आए होंगे और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपको इसे लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट वीडियोज लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, जय हिंद जय भारत।